मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूं अखबार बानी गॉसिप में। अभिषेक ने पूजा भट्ट के सामने जिया और पलक के लिए दहाड़ लगा दी है भाई। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। कहीं ना कहीं अभिषेक को पता चल गया है कि आखिरकार पूजा भट्ट का नेचर कैसा है, उनके साथ कैसे किस तरीके से बात की जानी चाहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस यहां पर जैसे कि आप लोगों को पूरा मैटर बता चुके हैं कि भाई पूजा भट्ट ने पलक के साथ जिया के साथ क्या किया है और जिया का रिएक्शन कैसा आया है, वो अगर जानना चाहते हो तो आप लोग हमारी पिछली वीडियोस जरूर देख सकते हैं। यहां पर जो है अभिषेक को भी अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से पूजा भट्ट जो है पलक और जिया के ऊपर चिल्लाई। तो वहीं पर अभिषेक जो है पूजा भट्ट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैम ऐसा उन्होंने क्या कर दिया था कि आप अचानक ही हाइपर हो गए। तो जहां पर अभिषेक की ये बात सुनने के बाद जो है अभिषेक से नॉर्मल बात करती कि देखो भाई तुम्हें जो है पता नहीं है कोई चीज के बारे में, क्योंकि तुम जो हो अंदर रहते हो, मैं जो हूं बाहर रह के सब चीजें देखती हूं, तो वो फेक हो सकती है, ये हो सकती है। जहां पर अभिषेक बोलता है कि मुझे तो नहीं लगा मैम कि वो फेक होगी। तो इतनी बात मतलब कि अभिषेक जो है पलक और जिया की जब साइड ले रहे थे, फिर दोबारा से अभिषेक के ऊपर भी हाइपर होती हुई दिखाई दी पूजा भट्ट कि तुझे ये सब चीजें नहीं पता, मुझे पता है, तुम अंदर ही रहते हो लड़ाई के। जो बंदा बाहर खड़े होकर देखता है ना उसको सब चीजें दिखाई देती है, और ये क्या उसको पता नहीं है भाई 30,000 रुपये उसको 30,000 रुपये उसको बचाने के लिए दिए हैं। उसी वक्त उस राशन का वो हुआ तब ये ढिंडोरा पीटने लग गई कि भाई मुझे कॉफ़ी चाहिए। एटलीस्ट बंदा, बिग बॉस की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल जिंदगी की बात कर रही हूँ, अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है तो एटलीस्ट इमीजिएटली तो तुम ये सब चीज़ें थोपो ना उसके ऊपर। तुम मुंह बना के बैठ गए हो, ये करके बैठ गए, तुम्हें सर्वाइवल चाहिए था ना, तुम सर्वाइव कर रही हो। कॉफ़ी डेफिनेटली चाहिए, मुझे भी चाहिए होती है कॉफ़ी, पर मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ, मैं यहाँ पर सर्वाइव कर रही हूँ, वो सब चीज़ें करनी आनी चाहिए। तो अभिषेक जो है एक घंटा पूजा भट्ट से पकते हैं, पकने के बाद उनको पता चल जाता है कि भाई ये तो सडनली हाइपर हो जाती होती है ना कुछ लोग कि बात करते करते हाइपर हो जाते हैं, उनसे बात नहीं कर सकते, उनको डिसरिस्पेक्ट लगती है और वो कुछ भी कर जाते हैं। पूजा भट्ट का नेचर ऐसा है, दिखाई दे गया आज। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।